इस राष्ट्र को एक आजादी, आजादी का मतलब आप समझ गए होंगे। विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी इसी प्रदेश के चार चार बार माननीय मुख्यमंत्री रहे, इसलिए सम्मानित साथियों कहना चाहता हूं कि मुझे सरकार बनाने की ललक नहीं है, क्योंकि हमारे नेता ने हिंदुस्तान में सभी नेताओं को समर्पित किया है। हमें खुशी है कि ऐसे विचारों को लेकर के पूरे देश में हमारे दादा सोमनाथ यादव जी इस समय मंच पे विराजमान है और ये देवरी की धरती धन्य हुई। आज इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री चुना, विश्व के महान नेता, भारत के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन एक परिवार ऐसा जिसने देश के संविधान से अपने को बड़ा माना, एक परिवार जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है बार बार, और आज भी जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए उसके दिल में इज्जत नहीं है। इसलिए देश की जनता से दादा सोमनाथ यादव सवाल करने आए। सम्मानित साथियों, ये सवाल बहुत बड़ा है और इस देश के खेत और खलिहान में गलियों में जा जा करके हमारे लोग पूछ रहे हैं। जब एक परिवार भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करता, प्रधानमंत्री को गालियां देता है, वो परिवार जिसने नारायण दत्त तिवारी को अपमानित किया, जिस नारायण दत्त तिवारी ने भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, उसी पंडित नारायण दत्त तिवारी को 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उसी परिवार ने प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उसी परिवार ने इसी बगल के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर अर्जुन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, इसलिए नहीं बनने दिया।